हाय गाइस, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री में कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो रहती है हम बच्चों में किस प्रकार से करेंगे और प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो रहती है हम बच्चे जो रहते हैं ना उनमें हम किस प्रकार से उनके थ्रेशोल्ड को फाइंड करेंगे इस बारे में हम जानेंगे। तो जो प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो रहते हैं जो बच्चों में हम जब करते हैं तो बच्चों में जो रहता है ना अलग अलग एज ग्रुप जो रहता है उनके एज ग्रुप के हिसाब से हम अलग अलग टाइप की ऑडियोमेट्री करते हैं। तो जो 2 to 4 ईयर के जो चाइल्ड रहते हैं ना उनमें हम कंडीशनिंग पे ऑडियोमेट्री करते हैं। वही जो 6 months to 2 years के जो चाइल्ड रहते हैं वो हम उसमें विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री करते हैं। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है कंडीशनिंग पे ऑडियोमेट्री और क्या होता है विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। के बाद में हम कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री के बारे में जानेंगे। कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री जो रहता है हम किस एज के बच्चों में करते हैं और इसके लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं और हम इस प्रकार इसकी कौन कौन किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है कि हम प्ले ऑडियोमेट्री करेंगे चाइल्ड के लिए। तो जो प्ले कंडीशनल प्ले ऑडियोमेट्री जो रहता है जिसको हम फ्री फील्ड भी बोलते हैं हम इसके लिए क्या करते हैं जो 2 to 4 ईयर के जो चाइल्ड जो रहते हैं हम उनके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए क्या रहता है जो ट्रांसड्यूसर जो रहता है हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था जो एडल्ट के लिए जो हमने ऑडियोमेट्री किया था तो उसके लिए हमने हेडफोन और इंसर्ट का यूज़ किया था। वही जो चाइल्ड जो रहेंगे 2 to 4 ईयर के उनके लिए हमको जब कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री करना रहेगा तो हम उसके लिए स्पीकर यूज़ करते हैं। तो स्पीकर जो रहते हैं सर्टेन एंगल पे प्रेजेंट रहते हैं ताकि बच्चे को जो रहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आ सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस उसको मिल सके। तो हम उसमें क्या करते हैं मतलब इसकी प्रोसेस क्या रहती है हम बच्चों क्या करवाते हैं बच्चे को हम उसकी मॉडलिंग करवाते हैं उसके बिहेवियर की मॉडलिंग करवाते हैं। तो ये मॉडलिंग कैसे करवाएंगे हम क्या करेंगे कि एक रिंग लेंगे और एक पोल के अंदर रिंग को डलवाएंगे बच्चे से। कब डलवाएंगे कि जब स्टिमुलस आएगा मतलब जब उसको साउंड आएगा। हम इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं बच्चे की मॉडलिंग के लिए जो उसका थ्रेशोल्ड जो रहता है थ्रेशोल्ड से हम ऊपर देंगे मतलब उसके सुपरा थ्रेशोल्ड पे हम उसको स्टिमुलस देंगे साउंड देंगे। तो उससे क्या रहेगा बच्चे को हम ऐसा मतलब प्ले एक्टिविटी करवाते हैं कि जब साउंड आएगा तो आपको क्या करना रहेगा रिंग को उठा के पोल के अंदर डालना रहेगा। हम बच्चे को ये बिहेवियर में लाते हैं उसको ये कंडीशनिंग करवाते हैं। ठीक है जब बच्चा अपनी कंडीशनिंग सीख जाता है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में ब्रैकेटिंग मेथड देखा था ना कि 5 up or 10 down वाली इसके लिए बच्चों में हम कौन से मतलब बच्चों में हम ब्रैकेटिंग मेथड यूज़ ही करते हैं पर उसको मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो मॉडिफिकेशन रहता है वो क्या रहता है अप 10 रहता है और डाउन 20 रहता है। तो यहाँ पर अप 10 और डाउन 20 हमने क्यों किया क्योंकि हम ये देखते हैं कि मतलब एडल्ट से इसको अलग मॉडिफाई इसलिए किया गया क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चा जो रहता है ना वो अपना अटेंशन बहुत जल्दी खो देता है। तो हम क्या रहता है कम टाइम में उसका हमको थ्रेशोल्ड या उसका जो थ्रेशोल्ड का एस्टिमेट करना रहेगा मतलब जो थ्रेशोल्ड की फाइंडिंग रहेगी वो हमको कम टाइम में करना रहेगा ताकि बच्चा जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स बताओ वो बोर होने से पहले या फिर उसका अटेंशन खोने से पहले हम उसके थ्रेशोल्ड फाइंड कर लें। इसलिए हम उसको अप 10 करेंगे डाउन 20 करेंगे। अप 10 और डाउन 20 से क्या मतलब रहेगा कि अगर बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया कोई सा हमने स्टिमुलस दिया मान लो हमने उसको 30 dB पे स्टिमुलस दिया बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम क्या करेंगे उसको 10 dB बढ़ा देंगे मतलब 40 dB पे उसको रिस्पॉन्स देंगे। अब फिर मान लो बच्चे ने 40 dB पे रिस्पॉन्स कर दिया तो डाउन 20 करेंगे मतलब कि उसको फिर से 20 dB का हम स्टिमुलस दे देंगे। आगे हम बात करेंगे विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री कि विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री हम कैसे करते हैं और किन बच्चों में करते हैं। ठीक है और इसके लिए कौन सा जो ट्रांसड्यूसर जो रहता है हम किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं या फिर किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम बच्चों के थ्रेशोल्ड को फाइंड करने के लिए। तो हम इसमें देखते हैं विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री जो रहते हैं जो 6 months के बच्चे जो रहते हैं 6 months से जो 2 years के बच्चे रहते हैं हम उनके लिए करते हैं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं जो विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री रहता है ना इसके बारे में जो मूरे और विल्सन और थॉमसन जो था उन्होंने 1997 में और जो वाइडन जो था उसने 2011 में ये बोला था। क्या बोला था विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री के बारे में उन्होंने ये बोला था कि जो बच्चे कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री को परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर जिन बच्चों में हम कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री के द्वारा सक्सेसफुली थ्रेशोल्ड फाइंड नहीं करते हैं उनके लिए हमको विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री करना चाहिए। ठीक है अब ये होता क्या है इसके लिए क्या यूज़ करते हैं तो इसके लिए क्या रहता है कि हम फ्लैट स्क्रीन यूज़ करते हैं। फ्लैट स्क्रीन के ऊपर क्या रहता है हम किसी भी एनिमल रेनफोर्समेंट के रूप में हम किसी भी एनिमल कार्टून का पिक्चर लगाते हैं उसमें साउंड भी रहता है। तो हम क्या करते हैं उसको बच्चा जो रहता है ना बच्चे के फ्रेंड से उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स करते हैं। बच्चे को या तो 45 degree के एंगल पर रख दो या फिर उसको जो 90 degree का एंगल रहता है उस पर रख दो या फिर दो स्क्रीन यूज़ कर लो एक फ्लैट स्क्रीन जो रहता है उसको 45 degree पर रख लो एक फ्लैट स्क्रीन जो रहता है 90 degree के एंगल पर रख लो। ठीक है फिर इसके बाद हम क्या करते हैं मतलब इसकी प्रोसेस क्या करेंगे प्रोसेस कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को साउंड प्रेजेंट करेंगे। साउंड प्रेजेंट क्या अगर बच्चे को जो साउंड रहेगा हम सुपरथ्रेशोल्ड लेवल पर प्रेजेंट करेंगे उसकी पहले कंडीशनिंग करेंगे। ठीक है कि साउंड प्रेजेंट किया अगर साउंड प्रेजेंट किया हमने और बच्चे ने उस स्क्रीन के साइड में देखा तो जैसे उसने टर्न किया
तो हम उसको जब साउंड की तरफ उसने देखा तो हम उसको रेनफोर्समेंट करेंगे। रेनफोर्समेंट के तौर पे हम क्या करेंगे, उसको कोई सा कार्टून का पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि जब कोई साउंड आ रहा है अगर मैं टर्न करके देख रहा हूँ तो मुझे रेनफोर्समेंट मिल रहा है, मतलब कि मुझे कार्टून या पिक्चर कोई सा भी एनिमल का पिक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ताकि बच्चे पे मोटिवेशन बना रहेगा और वो अपने जो हमको जो चीज़ चाहिए मतलब उसके जो थ्रेशोल्ड फाइंड करना है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे जो रहते हैं उनमें क्या रहता है कि हम साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं वो टर्न नहीं करते, तो वो उसको इस इनिशियल स्टेज में हम उनको कंडीशनिंग करते हैं कि देखो उधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, तो तब वो उधर देखते हैं तो उधर क्या रहता है, स्क्रीन पर हम उनको एनिमल दिखाते हैं, तो जब हम एनिमल दिखाते हैं तो उसके साथ में हम साउंड भी प्रेजेंट करते हैं। ऐसा हम 3 to 4 टाइम करते हैं कि एनिमल हमने दिखाया उसके साथ में साउंड प्रेजेंट किया, तो बच्चे को समझ में आ रहा कि आवाज़ आई उसके साथ में मुझे एनिमल देखने को मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, फिर सिर्फ हम साउंड प्रेजेंट करेंगे, एनिमल हमको उसको रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, पहले हम सिर्फ उसको साउंड प्रेजेंट करेंगे। अगर उसने साउंड जैसे ही देखा, साउंड की तरफ जैसे ही टर्न किया, जैसे ही टर्न किया हम उसको जस्ट टर्न करने के बाद में हम उसको रेनफोर्समेंट करेंगे। रेनफोर्समेंट के रूप में हम क्या देंगे, उसको एनिमल का पिक्चर या फिर कोई सा भी कार्टून का पिक्चर उसको दिखाएंगे, ताकि उसको ये समझ में आए कि जब आवाज़ आ रहा है मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे ये देखने को मतलब पिक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम बच्चे क्या रहेंगे थ्रेशोल्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री जो रहता है, हम इसको भी जो ब्रैकेटिंग मेथड जो प्रीवियसली जो हमने कंडीशनल पे ऑडियोमेट्री में जो मॉडिफिकेशन यूज़ किया था ब्रैकेटिंग मेथड का, हम वैसे ही इसको यूज़ करेंगे। और उसके बाद में हमको एक चीज़ इसमें ये देखने को मिलती है कि अगर बच्चा 12 महीने से ऊपर का हो गया तो हम इसके विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री से उसका लोकलाइजेशन और रेटलाइजेशन का भी पता कर सकते हैं, उसका आसानी से उसका पता कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।